डाली डाली फूलों की। जिन्होंने मेरी डिलीवरी कराई रात को 11-12 बजे वो मेरी डिलीवरी के लिए आए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। चलिए, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो मैं अपनी किचन में हूँ, सुबह चल रही है हमारी नाश्ता की तैयारी। तो ये रहा आज का हमारा स्पेशल नाश्ता, दो ही झनों में। ये बोल रहे हैं कि दो झने झने नहीं होते हैं, खाना कल का ही दे रही है सब्जी बन। तो नाश्ता हमने कर लिया है, अब चलते हैं दुकान की तरफ। तो भैया लोग ना, जो ये सारा कंकड़ है ये इसको गाड़ी में डाल रहे पिकअप में। तो ये पूरा पिकअप है जो भर गया है, इसमें कंकड़ बजरी सीमेंट और लोहा, ये सारा जाने वाला है। गांव हमारा है ये, तो पिकअप तो है खेतों लोगों के, लच्छी वह चलाएंगे। तो ये यहाँ पर का सारा ले गए हैं। हमारा ना एक काम ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो ये गाँव में दीवार के लिए ले जा रहे हैं। तो आज ना इन कमरों का सामान जो है ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ये लगे हैं सोफे ऊपर लगाने में। और कल जो बेड आ रहा था ना दहेज का, वो भी कल नए मकान का था, दहेज का। जब पूजा पाठ हुई थी तब से आज आ रही हूँ, पहले मंदिर दर्शन ही आपको कराते हैं दोस्तों। ये दिया या जल रखा है मस्त कर दी, जय हो भगवान जी। तो अच्छे से पूजा पाठ स्टार्ट हो गए यहाँ। तो बड़ा ये ना हॉल वाला कमरा है, यहाँ जो नया बेड है वो यहाँ लगा दिया, जो कल बेड लाए थे कितना सुंदर लग रहा है। और ये सोफ़ा यहाँ लगा दिया, बाकी दो सोफे यहाँ पे लगेंगे। तो ये हॉल वाला कमरा है, बैठक रूम। तो यही था वो दहेज वाला बेड। तो चलिए, नए घर में भी घूम फिर के वहाँ सामान शिफ्टिंग हो रहा है फिलहाल। अभी तो बहुत कमरों का सामान शिफ्टिंग होगा, और पूरा नीचे जो दो तीन कमरे हैं वहाँ का सामान ऊपर, किचन का सामान ऊपर। तो धीरे धीरे वो तो होते ही रहेगा, जब फिर दिखाएंगे आपको। फिलहाल मैं आ गई हूँ दुकान में, और दुकान का काम है मेरा सबसे पहले तो कटिंग करना, जब तक मंजू नहीं आई है और गौरी पता नहीं आती है नहीं आती है। और हमारा ये जो पिकअप में सामान लोड हो रहा है वो अभी तो बहुत लगेगा। और ये जो दो माँ बेटी का, वैसे हमारे वो हैं व्यूअर्स हैं सब्सक्राइबर हैं, माँ बेटी का जो है फ्रॉक है मैचिंग का, जब बन जाएगा लास्ट में वो दिखाऊंगी। तो दोस्तों, घाघरे की जो डिमांड है वो बढ़ते जा रही है, और दो घाघरे ये फिर से आए हैं। अभी ऑनलाइन जो घाघरे की डिमांड मुझे आई है वो भी मुझे करनी है। जो ऑनलाइन घाघरे की डिमांड आई है पता नहीं कब पूरी कर पाती हूँ मैं, बहुत दो तीन घाघरों की ऑनलाइन आई है, दो तीन ये वैसे ही आ गए हैं, तो इनको भी स्टिचिंग करना है। दोस्तों, कीमती पैसे ऐसे ही रख रखे हैं मैंने, इसको रख ले, बिल रख लूं। तो दोस्तों, आज कल ना जैसे ये फ्रॉक वाले जो व्यूअर्स हैं, ऐसे कई व्यूअर्स आजकल दूर दूर के जो हैं गर्मियों की छुट्टियों में घर आए हैं, वो जो है आजकल कपड़े सिलाने आ रहे हैं दुकान में। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उनका जो, मुझे लगातार वीडियो में देखते होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि हम भी जाएँ यहाँ बनवाएँ कपड़े। तो कई दूर दूर के जो व्यूअर्स हैं मेरे, वो कपड़े सिलाने आ रहे हैं और बोलते हैं कि अरे फटाफट सिल देना, हमको घर जाके वीडियो को तो देखना है आपका, तब पता चलता है अच्छा ये वीडियो। तब कोई कोई बोलते हैं कि आपकी वीडियो देख के आए हैं करके। तो खर्चा जो है हर महीने बढ़ते रहता है, कभी कुछ करना है तो कभी कुछ करना है। पिछले महीने ये नया काउंटर जो है मैंने बनाया, अब सोच रही हूँ टाइल्स वगैरह लगाऊं, ये रैग वैग चेंज करूं, कितने गंदे दिखते हैं हर जगह, कपड़े टुकड़े मुकड़े, कहीं साड़ियाँ तो कहीं चुन्नी, कहीं रिपेयर करने वाले तो कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इस तरीके से ये बहुत ही वो हुआ रहता है, देखो घर का सामान बण का सामान सब ऐसे पड़ा रहता है। तो इनको थोड़ा सा ना मॉडिफाई करने की सोच रही थी, तो कहाँ पैसे ही ऐसे हो जा रहे हैं। दिन के 2 बज गए हैं, मेरी तैयारी हो रखी है ये। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं नामकरण के निमंत्रण में, तो अगर निमंत्रण आया है तो जाना तो जरूरी होता है। तो नामकरण है बगल में ही आंटी जी का, एनम आंटी जी, जिन्होंने मेरी डिलीवरी कराई रात को 11-12 बजे, वो मेरी डिलीवरी के लिए आई। और आज उनका नाती हुआ है, तो नामकरण है, वो लगते हैं इंदू के ताई। तो इंदू मैं और राजी जा रहे हैं, फिलहाल तैयार हो गई हूँ मैं, इसके पापा के लिए खाना बना दिया है दिन के लिए, तो ये तो अकेले खाएंगे, हम नामकरण में खा के आते हैं। आते ही खातिरदारी शुरू हो गई, आते ही पहले ही खाने की थाली लग गई हमारे लिए, और यहाँ पे ना बहुत ही हवा चल रही है, छन्नी के अंदर है सोया है अभी। बधाई हो, अरे रोना, अभी भी लोग खा रहे हैं, हमने तो खा लिया।
पिठा में लगा दिया, अब चले घर की तरफ। यहाँ से नीचे को ना ये पूरा तहसील वाला एरिया है, और इधर को है यहाँ पे था आंटी का घर, और इधर को भी वो उधर वाला एरिया तो देखा ही होगा, हमने हमेशा जाते रहते हैं इधर को सुन भैया के घर वगैरह वगैरह, बाकी पोल हाउस है यहाँ पे, और रास्ता तो बहुत सुंदर है। तो दोस्तों नामकरण में आ भी गए, भाव को भी देख लिया, भाव इस नाम है उसका बहुत से, और खाना भी खा लिया, अब चले घर की तरफ। बाकी इधर का एरिया ना बहुत खुला खुला है, देखो क्या मस्त पूरा फैली जगह है, बड़े बड़े बिल्डिंग है यहाँ पे। और ये रहा तहसील, क्या करो बतावे, हेलो के गांव तापड़ो वाला याद है तल्ले के गांव तापड़ो हाँ कोनियो गरम नहीं है। अच्छा देखो कितना खुली जगह है, दिन के समय देखा दोस्तों कितना गर्म हो रहा है भयंकर। और ये देखो ये दीदी लोग अभी भी बजरी सारेंगे नदी से यहाँ से, और ये खूबसूरत सा व्यू दिन का, 3:30 बज गए हैं और पहुँचे हम अपने घर। ये है यहाँ पे बेला, बेला आजा। तो आ गई हूँ घर, और ठंडी ठंडी हवा पंखा ऑन कर लिया, बाहर तो इतना गर्म हो रहा है ना, और शाम को फिर बारिश हो जाएगी। वहाँ पर भी खाना खाते समय बारिश, मतलब खाना खाते समय ना बहुत ही तेज़ हवा होती है, आंधी तूफान, तो शाम को फिर बारिश हो जाती है रोज़ की तरह, जैसे कल होगी थी ना शाम को बारिश ज़बरदस्त वाली। तो इससे ना मौसम एकदम नॉर्मल है, उतना गर्म है ही नहीं, जब धूप में चल रहे हैं बाहर तब तो गर्म लग रहा है, लेकिन कमरे के अंदर बहुत ही बढ़िया हो रखा है। और सुबह मैंने जो सिलना था ना छोटी बेबी और उसकी मम्मी का ड्रेस, उसको दिखाऊंगी मैं पहले कैसा बना है, वो देख लो एक बार आप। तो देखिए 5 से 6 महीने की बेबी है, उसके लिए मैंने यहाँ कमर इलास्टिक और कंधे भी इलास्टिक डाल के कुछ ऐसे ये वाले स्टेप बनाए मैंने, जो काफ़ी सुंदर दिखते हैं छोटे छोटे बच्चों में। यहाँ पर से फिटिंग आएगा और कंधे में बिल्कुल ऐसे फूल जैसे आएंगे ना, तो बहुत सुंदर लगेगा। तो ये तैयार करा, और ये है उसकी मम्मी का, और ये तो सिंपल ही था नॉर्मली, मतलब काफ़ी लॉन्ग सा फ्रॉक था, ये इतना लंबा है। तो ये बन के रेडी है दोनों माँ बेटी का, बहुत सुंदर लग रहा है। तो इस वीडियो को फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।